वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। तकरीबन 6 से 7 कोर्सेज जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके अंदर वर्डप्रेस बिगनियर्स के लिए, जिसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शन और जो वर्डप्रेस की बेसिक्स हैं कि उसको अंडरस्टैंड करना है आपने, वो इंक्लूड होगा। उसके बाद हम वर्डप्रेस फ्रीलांसर्स के लिए इसके साथ ही लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी सिखाएंगे एलिमेंटोर से, डीवी से, या कोई भी वर्डप्रेस का जो थीम है उसको लेकर कस्टमाइज कैसे करना है। थर्ड एंड फोर्थ कोर्स सिक्योरिटी एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे, आपने वेबसाइट बना ली है, उसके बाद आपने उस वेबसाइट को सिक्योर कैसे करना है और उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसकी स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है। नंबर फोर्थ पे हमारे पास एडवांस और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिसके अंदर हम डीवी थीम को लेकर बिगिनर से एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। उसके अंदर डीवी से वेबसाइट कैसे बनाते हैं, डीवी थीम को यूज़ करते हुए ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाते हैं, और डीवी चाइल्ड थीम कैसे बनाते हैं और उन्हें कहाँ सेल करते हैं और उनसे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन ने एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ड्रॉप आउट कर दिया। स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट होने के बाद सी नेटवर्क में जॉब शुरू की और तकरीबन 16 साल वहां पर काम किया। 2003 में उस नौजवान ने B2 एक कैफे लव ओपन सोर्स ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था, उसमें अपनी खिदमात एज ए वॉलंटियर पेश कर दी। उसमें और भी बहुत से वॉलंटियर थे और उनका जो लीडर था उसने एक दिन बगैर किसी वजह के तमाम वॉलंटियर्स को छोड़कर वो जॉब छोड़ दी। लेकिन उस नौजवान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने एक अपने फेलो प्रोग्रामर माइक लिटल के साथ उस B2 कैफे लोग पे काम करता रहा और बाला आखिर 2007 में वर्डप्रेस का क्याम अमल में आया। उस नौजवान का नाम मैट था और उसके साथ उसका को फाउंडर माइक लिटल था, जिन दोनों ने 2007 में वर्डप्रेस की बुनियाद रखी। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स CMS प्लेटफॉर्म है, जो कि तकरीबन दुनिया की 26% वेबसाइट को पावर करता है, और उन 26% के अलावा अगर सिर्फ CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए तो तकरीबन 60% से ज़्यादा वेबसाइट्स को वर्डप्रेस पावर करता है। इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, आप जिस भी कंट्री से हैं, ऑब्वियसली उर्दू स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग आप में से बहुत से लोग होंगे, तो अपना ईमेल और अपने नाम के साथ और अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे या टेलीग्राम में भी, वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दें। जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको ईमेल आ जाएगी और आप जो अपना कोर्स है वो जारी रख सकेंगे। व्हाट इज़ वर्डप्रेस? ओपन सोर्स CMS। वाई वर्डप्रेस? फ्री टू यूज़, बिल्कुल फ्री है, कोई हमें पैसे नहीं खर्चने पड़ते। हाँ, wordpress.com और .org में क्या फ़र्क है ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो फ़िलहाल जो एक्चुअली कोर्स है वो wordpress.org का है, कि वेबसाइट कैसे बनानी है किसी भी शख्स के लिए या अपने बिजनेस के लिए। वर्डप्रेस का स्कोप डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अभी कोरोना वायरस चल रहा है, दुनिया के तकरीबन तमाम बिजनेसेस जो है इस वक्त जिनके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था वो इस वक्त शट डाउन है। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी ऑब्वियसली लोग सबसे पहले अपना स्टोर का, अपनी शॉप का या कोई भी आपकी दुकान है जो भी है उसका डिजिटल सोल्यूशन जो है वो ढूंढेंगे, और ऑब्वियसली उसके लिए उनको एक वेबसाइट चाहिए होगी, उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज होंगी, तो आप उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वर्डप्रेस फ्रीलांसर कैसे बने? जब आप कोर्सेज कर लेंगे सारे, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उसको सेल आउट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि freelancer.com, फाइवर है हमारे पास, अपवर्क है, फाइव क्विड है,
या गुरु डॉट कॉम है। उसके अलावा आप अपने थीम बनाकर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे इनवेंटो हो गया और इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं और अच्छे आपको हैंडसम अमाउंट मिल सकती है। लेकिन देर इज नो शॉर्टकट टू अर्न मनी, ये चीज अपनी जहन में रख लें। डेडिकेशन के साथ आपने इस फील्ड के अंदर आना है तो आपने मेहनत करनी है और उसके बाद आपको आपका जो मेहनत का आउटकम है वो मिलेगी। हाउ एंड वेयर टू सेल वर्डप्रेस सर्विसेज ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा क्रेगलिस्ट के थ्रू भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को, उनकी प्रोफाइल्स पर जाकर उनके जो है। इसके अलावा अगर आप लोकली इंडिया या पाकिस्तान में अपने लोकल मार्केट में जाकर किसी भी दुकानदार को या किसी जो स्टोर का ओनर है उसे अपनी सर्विसेज का इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद अपनी सर्विसेज की प्राइस बताएं और अपनी सर्विसेज उसे सेल करें। वर्डप्रेस के लिए कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वर्डप्रेस बिल्ड कैसे हुआ है, इसके अंदर लैंग्वेजेस जो यूज हुई है उसके अंदर MySQL, जावा, PHP, HTML और CSS, ये लैंग्वेजेस हैं जो वर्डप्रेस को बनाने में यूज हुई है। लेकिन आपको सिर्फ इनका नॉलेज होना लाजमी है, इनका आपको एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम नेक्स्ट कोर्सेज में बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आपने CSS और HTML और PHP के कोर्स को कहाँ से यूज करना है, कैसे क्रिएट करना है फॉर्म या डिफरेंट चीजें। बिल्कुल दो दो लाइनों के कोर्स आपको जो बिल्कुल अच्छी सी डायनामिक वेबसाइट बना के दे सकते हैं। वर्डप्रेस एक्सटेंसिबल है, फ्लेक्सिबल है, इजी टू इंस्टॉल है और सबसे बड़ी बात फ्री तो है ही, लेकिन उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट और उसका जो सेटअप कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम है एज कंपेयर टू दूसरी जो कोडिंग वेब इंडस्ट्रीज को। वर्डप्रेस.com इंडस्ट्री पे रूल कर रहा है ऑलरेडी। फ्रीलांस मार्केट प्लेस में आप अगर सिर्फ सर्च करें फाइवर पे जाके वर्डप्रेस की जो सर्विसेज हैं कितने लोग सेल कर रहे हैं और उनके आप अगर जाके रिव्यूज देखें या फ्रीलांसर पे, तो आपको कंपटीशन का भी अंदाजा हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि इसकी डिमांड कितनी है। अपना एक ऑनलाइन आपके पास इन्वेंट्री है, आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली एक डोमेन और होस्टिंग खरीदें, उसके ऊपर वर्डप्रेस के थ्रू अपना ऑनलाइन स्टोर जनाब बनाएं और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करके, SEO सर्विसेज करके या फेसबुक एड कंपेन, ईमेल मार्केटिंग से आप अपनी चीज़ें सेल आउट करना शुरू कर दें। तो वर्डप्रेस इंडस्ट्री स्कोप बहुत ज़्यादा है, आज से 10 साल पहले भी था और अब भी बहुत ज़्यादा है। हाउ टू बिकम वर्डप्रेस फ्रीलांसर, जी बहुत से न्यू बॉयज का सवाल होता है वर्डप्रेस के फ्रीलांसर कैसे बने। सबसे पहली चीज़ है आपकी डेडिकेशन। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपने बनना है वर्डप्रेस का फ्रीलांसर और आपने अपनी सर्विसेज सेल आउट करनी है, तो भाई फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने सीखेंगे, उसके बाद थीम कस्टमाइज कैसे करने हैं, प्लगइन कैसे कस्टमाइज करने हैं, इंटीग्रेशन कैसे करनी है, अपनी सर्विसेज को लोकली या इंटरनेशनली सेल करते हो, या अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, इवन कि IT स्टोर है जिसके ऊपर आप अपने थीम सेल करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ब्लॉगिंग करना चाहते हो, वर्डप्रेस इज बेस्ट फॉर ब्लॉगर्स। अपना ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाएं, उसके ऊपर एक वेबसाइट बनाएं ब्लॉगिंग की और राइटिंग शुरू कर दें, उसके साथ एडसेंस कनेक्ट करें, मेहनत करें, ऑब्वियसली आपको आउटकम मिलेगी। इंट्रोडक्शन में इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ। लोकल सेटअप फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट प्रैक्टिस के लिए और क्लाइंट के डोमेन पर वेबसाइट अपलोड करने से पहले आपको एक लोकल सेटअप की जरूरत होती है। वो कोई भी हो सकता है, ज़ैप हो सकता है या बिटनामी का सॉफ्टवेयर हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन और वेबसाइट बनाने के लिए एक लोकल सेटअप अपने PC पर कैसे बनाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। उसके लिए हमें कोई अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी और ना ही हमें डोमेन और होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, लेकिन वो जो लोकल सेटअप है वो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए होगा।
या जब आप फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे तो क्लाइंट को फाइनल डिजाइन देने से पहले आप अपने उस लोकल सेटअप पर वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद उस वेबसाइट को माइग्रेट कर देंगे उस क्लाइंट की डोमेन पर। माइग्रेशन कैसे करते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं ज़ैम्प लोकल सर्वर की। ज़ैम्प एक सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि अपाची फ्रेंड्स ने इसे डेवलप किया है, और ये मोस्टली जो क्लाइंट्स की वेबसाइट है उसको रिमोट वेब सर्वर यानी लाइव वेब सर्वर पर अपलोड करने से पहले टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ज़ैम्प जो सॉफ्टवेयर है वो आपको एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है MySQL को टेस्ट करने के लिए, PHP को टेस्ट करने के लिए और वर्डप्रेस वेबसाइट्स को टेस्ट करने के लिए आपके अपने लोकल कंप्यूटर या लैपटॉप पर। ज़ैम्प इंस्टॉल कैसे करते हैं आइए देखते हैं। आइए ज़ैम्प इंस्टॉल करते हैं अपने लोकल कंप्यूटर पर। जी सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउजर खोलना है और आपने ज़ैम्प सर्च करना है गूगल पर। ये आपके सामने अपाची फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी की वेबसाइट आ रही है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके डाउनलोड का ऑप्शन है विंडोज़ के लिए, अगर आप की विंडो यूज़ कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप लिनक्स का इस्तेमाल करेंगे। और मैं चूंकि विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडो का ज़ैम्प इंस्टॉल करूँगा। जी फाइल डाउनलोड होने के बाद इसको फाइल को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, ये नोटिफिकेशन को ओके कर दें। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए, और आपने ये सारे चेक बॉक्स को टिक कर देना है। इनको टिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद अपना फॉर इंस्टॉलेशन फोल्डर सेलेक्ट करना है। आप अगर जिस भी अपनी ड्राइव या फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हैं वह यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देन अगेन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ज़ैम्प इंस्टॉलेशन के बाद आपने अपनी विंडो स्टार्ट पे जाना है और वहाँ पे ज़ैम्प लिखेंगे तो आपके पास ये ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इसमें आपने अपाची और MySQL को स्टार्ट करना है वर्डप्रेस यूज़ करने के लिए। आप ज़ैम्प के ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम वेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ कि ज़ैम्प वर्क किस तरह करता है। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद हमने डेटाबेसिस कहाँ बनानी है, उसके लिए आपने अपनी कोई ब्राउज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं उस पर जाना है, लोकल होस्ट लिखना है, स्लैश डाल के PHP माई एडमिन, यहाँ पे आप डेटाबेसिस बनाएंगे और अपनी वेबसाइट सर्च करने के लिए जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नेम आपने उस पर सर्च कर सकते हैं। ये अभी एक ऑलरेडी साइट अवेलेबल थी जिसका आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ज़ैम्प यूज़ करने के बाद आपने दोबारा ज़ैम्प का वो स्क्रीन ओपन करनी है और वहाँ से अपाची और MySQL को ऑफ कर देना है, ऑफ कर देना है या स्टॉप कर देना है। ज़ैम्प लोकल सर्वर पर बनाई वेबसाइट की एक्सेस सिर्फ आपको होगी या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करने वाले उस पर्सन को होगी। ज़ैम्प एक लाइव सर्वर नहीं है, ये लोकल सर्वर है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस एक फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करेंगे ज़ैम्प को यूज़ करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपना ईमेल और व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। अपना ख्याल रखिएगा। जी लास्ट वीडियो में हमने ज़ैम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखा था जिसके ज़रिए हम अपने लोकल पीसी पर एक लोकल सेटअप बनाते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, जिसे बाद में हम अपने लाइव सर्वर पर ट्रांसफ़र कर सकें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस को उस लोकल सेटअप पर इंस्टॉल कैसे करना है।
ओके, फर्स्ट टाइम में हमने एक न्यू वेब फोल्डर बनाना है अपने उस जैम सॉफ्टवेयर के डायरेक्टरी के अंदर। वो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने जैम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। इसके लिए स्टार्ट मेन्यू में जाएं और जैम को सेट करें। देन हमने अपाची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपको ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन अवेलेबल है। उसके बाद आपने अपने सी फोल्डर में जाना है, जहाँ पे आपको जैम का ऑप्शन नजर आएगा, जैम का फोल्डर नजर आएगा। ये सबसे बॉटम पे आपको जैम का फोल्डर नजर आ रहा है, इसे ओपन करें। यहाँ पे वो आपने एच टी डॉक का फोल्डर ढूंढना है। ये फिफ्थ नंबर पे आपके पास एच टी डॉक का फोल्डर है, इसे ओपन करें। यहाँ पे वो आपने कोई न्यू फोल्डर बनाना है, या जो वेबसाइट आपने बनानी है उसका एक फोल्डर बनाना है और उसका नाम रखना है। मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है और इसका नाम मैंने रख दिया है कोर्स 1। ओके, इस फोल्डर को ओपन करें। अब हमने अपने क्रोम ब्राउजर पर जाना है और wordpress.org की वेबसाइट ओपन करनी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। राइट टॉप पे आपको गेट वर्डप्रेस का ऑप्शन नजर आ रहा है, जहाँ से आप वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन नजर आएगा। ये डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। अब दोबारा अपने उस फोल्डर में जाएं जो हमने एच टी डॉक के अंदर क्रिएट किया था कोर्स 1 का, और यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड करें। फ्यू सेकंड वेट करें जब तक फाइल डाउनलोड नहीं हो रही। जब फाइल डाउनलोड हो जाए तो उस फोल्डर में जाएं और फाइल्स को एक्सपेक्ट करें। अब इस जिप फाइल को डिलीट कर दें। ओके, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब वर्डप्रेस का फोल्डर जो एक्सट्रैक्ट किया उसे ओपन करें और ये तमाम फाइल्स को कट करके मेन फोल्डर में पेस्ट करें। ओके, अब इस वर्डप्रेस के फोल्डर को भी डिलीट कर दें। अब हमारे इस एच टी डॉक के कोर्स 1 फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस फाइल्स आ चुकी हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है उसके लिए हम ये तरीका फॉलो करेंगे। अपने उस फोल्डर का नाम कॉपी करें जो हमने कोर्स 1 रखा था। इस तरह ही जो आप फोल्डर बनाएंगे और जो आपने उसका नाम रखा होगा वो नाम आपने कॉपी करना है। उसके बाद क्रोम ब्राउजर पर जाएं और सर्च करें लोकल होस्ट /phpMyAdmin। ये कोई लोकल होस्ट में PHP माई एडमिन ओपन हो गया। इस तरह का डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। ये टॉप पे आपको डेटाबेसेस का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने सिंपल फोल्डर का नेम पेस्ट कर देना है, कोर्स 1, और किसी सेटिंग को नहीं आपने छेड़ना और आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलेशन आपने कैसे वर्डप्रेस को ओपन करके देखना है। दोबारा अपने क्रोम ब्राउजर पर जाएं और यहाँ पे आप लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपका फोल्डर नेम था उसको सर्च करें। हमारा फोल्डर नेम था कोर्स 1, उसे हम सर्च करेंगे। ये हमारे पास वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया। मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। अगर आप उर्दू सेलेक्ट करना चाहें, हिंदी सेलेक्ट करना चाहें, या सराइकी, पश्तो, कोई भी आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट ही सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वेलकम का ऑप्शन, उसके बाद आपने लेट गो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम सेम टू सेम लिखना है। अगर आप चेंज करेंगे
ये नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं कोर्स लिखा है, कोर्स के आगे वन नहीं लिखा। यूजर नेम में आपने रूट लिखना है और पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ देना है। ये देखें डेटाबेस का एरर यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें डेटाबेस का एरर शो हो रहा है। अब मैं दोबारा कोर्स वन लिखता हूँ, यूजर नेम में रूट और पासवर्ड को एम्प्टी कर देता हूँ। देन आपके पास रन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये आपको वर्डप्रेस कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। साइट टाइटल आपने लिखना है, मैं लिखता हूँ कोर्स वन, हैशटैग वन, आगे बाद लर्न वर्डप्रेस लाइक ए प्रो। यहाँ पे यूजर नेम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपकी वेबसाइट लोकल पीसी पर होती है, तो आप कोई इजी रखें जो आपको बाद में याद भी रहे। आप पासवर्ड भी कुछ कुछ भी रख सकते हैं, ये किसी और को लाइव एक्सेस नहीं हो सकती इस आपकी वेबसाइट की। उसके बाद आपने कंफर्म वीक पासवर्ड पे क्लिक करना है और देन अपनी ईमेल लिखनी है, जिस ईमेल पे आप अपने नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं वेबसाइट से या वर्डप्रेस से रिलेटेड। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाएं तो आप इससे रिकवर कर सकते हैं। ऐसी विजिबिलिटी में आपने डिस्करेज पे क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक इंस्टॉलेशन पे, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना। ओके जी, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। अगर आप इसे रिमेम्बर करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें, क्रोम ब्राउजर इसको रिमेम्बर लिस्ट में सेव पासवर्ड में सेव कर दें। ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नज़र आ गया। टॉप पे आपको नज़र आ रहा है साइट टाइटल जो आपने लिखा था, कोर्स वन लर्न वर्डप्रेस लाइक अ प्रो। ये साइट टाइटल आपको नज़र आ रहा है। ये वर्डप्रेस का 2020 थीम है जो कि फ्रेश वर्डप्रेस साइट पर इंस्टॉल होता है। जब आपने वर्डप्रेस यूज नहीं करना तो आपने जैम को ओपन करना है और अपाची और MySQL को स्टॉप कर देना है। उससे आपके पीसी या लैपटॉप पर थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल बात करेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड की, पोस्ट क्या होती हैं, पेजेस क्या होते हैं और मीडिया फाइल्स क्या होती हैं, मीडिया फाइल्स का साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, कैटेगरीज कैसे एंटर करते हैं और इसके अलावा थीम्स, प्लगइन्स, मेन्यूज और इस तरह ही वर्डप्रेस की सेटिंग्स और टूल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी पैनल क्या है, सी पैनल यूज क्यों करते हैं, क्या वेबसाइट सी पैनल के बगैर पॉसिबल है, वर्डप्रेस और सी पैनल का क्या रिलेशनशिप है और सी पैनल फ्री है या पेड है, सी पैनल प्राइवेट है या पब्लिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी पैनल की और उसका ओवरव्यू लेंगे, उसको यूज कैसे किया जाता है। सी पैनल बेसिकली एक ऑनलाइन जो है लिनक्स बेस्ड ग्राफिकल इंटरफेस है जो कि कंट्रोल पैनल के तौर पे यूज होता है वेबसाइट और सर्वर मैनेजमेंट में। आपके घर के गैराज में अक्सर एक कंट्रोल पैनल होता है जिसके अंदर डिफरेंट स्विचेस, ब्रेकर्स और इंडिकेटर लगे होते हैं। उस कंट्रोल पैनल से आप पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं। सी पैनल बेसिकली वेबसाइट का एक कंट्रोल पैनल है जो कि आपको वेबसाइट पब्लिश करने में हेल्प करता है, डोमेन को कैसे मैनेज करना है, वेबसाइट की फाइल्स को और ईमेल अकाउंट्स जो कि आप अपने यूजर को सेंड करते हैं, जिस अकाउंट से प्रोफेशनल ईमेल्स वो आपको बनाने में हेल्प करता है। बहुत सी जो वेब होस्टिंग कंपनीज है वो सी पैनल अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती हैं अपने होस्टिंग पैकेज के साथ। सी पैनल के बेसिकली दो इंटरफेस होते हैं, एक यूजर इंटरफेस जिसे हम सी पैनल कहते हैं और एक सर्वर मैनेजमेंट इंटरफेस जिसे वेब होस्ट मैनेजर कहते हैं। ये बहुत जो कम्बिनेशन है वो यूजर को अलाउ करते हैं उसकी वेबसाइट को मैनेज करने में और होस्टिंग प्रोवाइडर को हेल्प करते हैं सर्वर को मैनेज करने में। सी पैनल फ्री है? बिल्कुल नहीं, सी पैनल फ्री नहीं है। आपका सी पैनल अकाउंट जो है वो बिल्कुल एक प्राइवेट होता है, आप अपनी वेबसाइट के ऑनर होते हैं और इसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड को
बिल्कुल सिक्योर रखना होता है। सी पैनल में लॉगिन कैसे किया जाता है? ये मैं सी पैनल के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हूँ। ये आपको इसका सारी फंक्शनलिटी नजर आ रही है। राइट टॉप पे आपको आपके अकाउंट का लॉगिन यूजर नेम नजर आ रहा है और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बार है जहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। तो ये सी पैनल को एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। अब इसमें इसके सी पैनल में लॉगिन कैसे होना है? जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसका डोमेन .com/ आगे सी पैनल अगर आप लिखेंगे तो वो आपको रिट्रीट कर देगा आपके सी पैनल के ऊपर। ये रिट्रेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपने जो आपका सी पैनल का लॉगिन और पासवर्ड होगा वो एंटर करना है, देन आपके सामने ये सी पैनल का डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आपके पास 20s ऑफ डिफरेंट ऑप्शन है रिलेटेड टू वेबसाइट मैनेजमेंट। टॉप कॉर्नर पे आपको ये आपका यूजर नेम, उसके साथ नोटिफिकेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है। नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो न्यू नोटिफिकेशन है वो नजर आ सकते हैं। कि यूजर नेम के ड्रॉप डाउन में आपको अकाउंट प्रेफरेंस, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी और इसके अलावा जो ओपिनियंस है वो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज स्टाइल में मेरे पास चार तरह के जो है वो थीम अवेलेबल है जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ। यूजर मैनेजर में जो आपके प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट होते हैं वो आप देख सकते हैं। मैं दोबारा होम पेज पर अगर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन नजर आ रहा है जिसके अंदर जिससे आप तमाम जो वेबसाइट की फाइल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भी आपके डोमेन और सब डोमेन्स होंगे उनके फाइल्स को आप फाइल मैनेजर से एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ तो ये न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर डोमेन और सब डोमेन का एक फोल्डर है और उसके अंदर आपका तमाम डाटा स्टोर है। यहाँ पे मेरी वेबसाइट codedigital.com इसकी आप देख सकते हैं WP कंटेंट में मेरे पास तमाम इसकी फाइल सेव हो रही है। तो जितना भी आप वेबसाइट का काम जो करते हैं वो सी पैनल में स्टोर होता है जिसके अंदर इमेजेस फाइल्स जिन्हें आप सी पैनल से एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क यूजेज पे क्लिक करें तो आपको पता चलता है कि आपकी जो वेबसाइट है हर डोमेन और सब डोमेन जिसके ऊपर रजिस्टर है वो कितने डिस्क उसने यूज कर लिए। यहाँ पे आपके पास बैकअप का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा डेटाबेसेस के ऑप्शन में आप न्यू डेटाबेसेस क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। न्यू डेटाबेसेस आप डोमेन या सब डोमेन के लिए क्रिएट करते हैं। सब डोमेन कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल होगा जिसमें कंप्लीट डिस्क्राइब किया गया है कि आप एक डोमेन के आगे सब डोमेन कैसे बना सकते हैं अपना पोर्टफोलियो शो करने के लिए या किसी और वेबसाइट पर्पस के लिए। डिफरेंट ब्लॉग्स को आप अपनी मर्जी से उनकी जगह चेंज कर सकते हैं। डेटाबेसेस को सबसे ऊपर ले जाना चाहें या डोमेन को उसके ईमेल अकाउंट के नीचे तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं। डोमेन्स में हमारे पास डोमेन्स सब डोमेन्स जितनी अवेलेबल होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको न्यू विंडो में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी डोमेन्स और सब डोमेन्स हैं वही सेक्शन में मुझे शो हो रही हैं। सब डोमेन सेक्शन में मैं अगर एक नई सब डोमेन बनाना चाहूँ तो यहाँ से भी बना सकता हूँ। उसके अलावा जितने भी इन यूज सब डोमेन्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आते हैं। अगर मैं किसी एक सब डोमेन के लिंक पर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल मैनेजर एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा जिसमें उस सब डोमेन की तमाम फाइल को मैं देख सकता हूँ और यहाँ से उनको एडिट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है ईमेल का। इसमें हमारे पास जितने ईमेल अकाउंट होंगे या ईमेल से रिलेटेड जो भी क्यूरीज हैं और उससे रिलेटेड जितने भी एड ऑन्स हैं वो इस सेक्शन में आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ से आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर मैं न्यू विंडो में ईमेल अकाउंट ओपन करता हूँ, न्यू विंडो में अगर मैं ईमेल अकाउंट ओपन करता हूँ तो यहाँ आपको ये दो तीन ईमेल नजर आ रही हैं जो मेरी रिस्पेक्टिव डोमेन के साथ लिंक है। जैसा कि जो हमारी मेन वेबसाइट की ईमेल अकाउंट है प्रोफेशनल वो है contact@codedigital.com। मैट्रिक्स में आपको विजिटर वेबसाइट की बैंडविड्थ वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है और डिफरेंट एड्रेस अवेलेबल है।
सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर जिसमें रूबी पीएचपी एटसेट्रा अवेलेबल है। अब सी पैनल में जब न्यू सी पैनल आपके पास होगा तो हमने इस पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए नीचे बॉटम सेक्शन में बहुत सी सी पैनल में नीचे बॉटम सेक्शन में इसके लिए नीचे बॉटम सेक्शन में वर्डप्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये आपको एक न्यू सेक्शन पर ले जाएगा। यहाँ पे इवन आपकी जो पहले से डोमेन या सब डोमेन होगी उनको आप उन पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्डप्रेस अपडेट कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने डोमेन्स और सब डोमेन्स का वर्डप्रेस वर्जन भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि आपको नीचे ये नजर आ रहा है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है, देर आर टू ऑप्शन इन दिस सब डोमेन, क्विक इंस्टॉल है और कस्टम इंस्टॉल है। मैं क्विक इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस का आ गया। इसके अलावा मैंने जो इंस्टॉलेशन यूआरएल है अपनी डोमेन या सब डोमेन उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे एडमिन अकाउंट में आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। ये आपको पासवर्ड की स्ट्रेंथ भी बता देगा कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है या रिस्क लेवल पे है या मीडियम है। एडमिन ईमेल में आपने अपनी वो ईमेल लिखी है जिस पे आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। नीचे आपको डिफरेंट एड ऑन में आपको डिफरेंट थीम अवेलेबल है, यहाँ से आपने कोई भी थीम सेलेक्ट करना है जिसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं जब वर्डप्रेस में लॉग इन करेंगे। देन उसके बाद सिंपली आपने क्लिक इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक लोकल सेटअप कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस की प्रैक्टिस के लिए। बहुत से लोग आप में से बिगनर होंगे जो कि डोमेन या होस्टिंग अभी खरीदने के मूड में नहीं होंगे, उनके लिए एक लोकल सेटअप जो कि आपके लोकल पीसी पर होगा वो कैसे बनाते हैं और उसके ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब हम किसी ब्राउजर पर कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट डिस्प्ले कैसे होती है, वेबसाइट का नाम जिसे हम डोमेन कहते हैं और वेबसाइट की फाइल्स कहाँ पड़ी होती हैं, डोमेन और होस्टिंग में फ़र्क क्या है। हेलो एंड वेलकम टू द वर्डप्रेस बिगनर कोर्स वीडियो नंबर 4। इस वीडियो में हम बात करना चाह रहे हैं कि डोमेन और होस्टिंग में क्या फ़र्क है और जब हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपका जो घर है उसका एक नाम होता है और घर जिस जगह पे है बिल्ड है और उसके ऊपर जो मटेरियल है उसे हम होस्टिंग कहते हैं, जबकि वो जो घर का नाम है कोई भी नाम जो आपके घर का उसे हम डोमेन कहते हैं। इस तरह एक वेबसाइट का जो नाम होता है उसे हम डोमेन कहते हैं, जैसे कि www.codydigital.com। codydigital.com डोमेन का नाम है और इस वेबसाइट की फाइल्स और जितना इसका डेटाबेस है वो कहाँ पड़ा हुआ है। फाइल्स के अंदर HTML, CSS फाइल्स, PHP फाइल्स, मीडिया फाइल्स और जो भी थीम्स और प्लगइन हमने ऐड किए हैं वो कहाँ पर पड़े होते हैं, जिस जगह पर वो पड़े होते हैं उसे हम होस्टिंग कहते हैं और होस्टिंग को डिफरेंट सर्वर कंट्रोल करते हैं। जब हम वेबसाइट पर सर्च करते हैं कोई डोमेन तो हमारा ब्राउज़र जो है वो एक आईपी की तरफ रिडायरेक्ट होता है। वो आईपी बैक हमारा जो सर्वर जो हमने ख़रीदा होता है जिसके ऊपर हमारा होस्टिंग होती है उसको बताते हैं कि ये वेबसाइट मेरे पास पड़ी हुई है कि नहीं। देन वो उस वेबसाइट को आपके ब्राउज़र पर दोबारा डिस्प्ले कर देता है। सर्वर को आप एक इंडिविजुअल स्टोर भी कह सकते हैं जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स स्टोर होती हैं। जबकि सर्वर क्या होता है, सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसकी बहुत ज़्यादा इंटरनेट स्पीड होती है। स्क्रीन पे आपको होस्टगेटर की डोमेन और वेबसाइट नज़र आ रही है। hostgator.com इनकी डोमेन है जबकि इनकी वेबसाइट और इसकी जो फाइल्स हैं वो उनके सर्वर पर पड़ी होती है। इस चीज़ को हम फर्स्ट टाइम अगर हम शो करें, आपने आपका ब्राउज़र आपने एक क्रोम ब्राउज़र या मोजिला फायरफॉक्स या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया है, उसके ऊपर आप सर्च करते हैं कोई भी वेबसाइट जिसे हम HTTP से सर्च कर सकते हैं या कोई भी डोमेन जो आपके। देन आपका ब्राउज़र जो है वो आपने जिस आपका ब्राउज़र देन उस डोमेन को फाइंड करता है कि ये है अवेलेबल है या नहीं है। देन उसके बाद जो आपका वेब होस्ट है
देन उसके बाद जो आपका वेब होस्ट है वो उस आईपी को डिटेक्ट करते हुए आपके वेबसाइट को आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले करवा देता है आफ्टर कंफर्मेशन कि ये वेबसाइट है कि नहीं। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड होस्टिंग। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप सब डोमेन भी बना सकते हैं। एक डोमेन के साथ आपको लिमिटेड और समटाइम्स आपको पैकेज के हिसाब से जो आपने डोमेन और होस्टिंग बाय की होती है आपको अनलिमिटेड भी सब डोमेन मिल जाती है। सब डोमेन क्या है, ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, मेरी मेन वेबसाइट है codedigital.com, जबकि इससे पहले मैंने एक ये आपको नजर आ रहा है portfolio.codedigital.com, ये सब डोमेन है जबकि ये मेन डोमेन है। सब डोमेन को हम डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज करते हैं, जैसे एक वेबसाइट से हम दो डिफरेंट वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं, या प्रैक्टिस पर्पजेज के लिए अपने पोर्टफोलियो शो करने के लिए, और समटाइम वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है, एसईओ में भी हेल्प करती है। सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए नीचे वेबसाइट में आपको लिंक अवेलेबल है। अगर आप डोमेन अगर आपने एक डोमेन खरीद ली है और आप अब एक सब डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखकर सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। हेलो, वेलकम टू आवर थर्ड वीडियो ऑफ वर्डप्रेस सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि wordpress.com और wordpress.org में क्या फ़र्क है। जब आप फ्रीलांसिंग पे जाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जिन्हें इन दो चीज़ों का डिफरेंस भी नहीं पता होगा, और जब आप वर्डप्रेस सीख रहे होंगे तो अभी आप भी आपको इन चीज़ों दो चीज़ों का नहीं पता होगा। एक्चुअली ये दोनों को वर्डप्रेस ही ओन करता है, wordpress.com और .org को ऑटोमेटिक जो इनकी मेन कंपनी है वो दोनों ओन करती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। wordpress.com जो है वो उसको wordpress जो कंपनी है वो खुद ही होस्ट करती है, वो लेकिन वो पेड है, उसके अंदर आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। जो बेसिक प्लान है वो फ्री होता है 3 GB तक, लेकिन उसमें कोई थीम जो प्लगइन्स है वो इंक्लूड नहीं होते, साथ वो एड फ्री भी नहीं होता। जबकि जो wordpress.org है उसमें आप अपना जो सर्वर है वो यूज़ करते हैं, आपको अपने जो एक्सेस होती है लोकल सर्वर हो या आपका जो लाइव सर्वर हो उसमें आपको एक्सेस होती है, आप चेंजेस कर सकते हैं। विच वन टू चूज एंड वाई, wordpress.com में अगर हम देखें तो उसमें लिमिटेड थीम ऑप्शन होते हैं और वो इतने अपडेटेड भी नहीं होते जैसे wordpress.org में फुल थीम कस्टमाइजेशन होती है। आप एलिमेंटो यूज़ करें, डीवी यूज़ करें, या आस्ट्रा या फेमस जितने भी हैं बी थीम, उनको यूज़ करके आप ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हैं। wordpress.com में प्लगइन नहीं होते, जो उनका प्रीमियम प्लान है उसमें प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं, और आई थिंक वो $300 पर ईयर आपको पे करना पड़ता है। जबकि wordpress.org में तमाम प्लगइन बिल्कुल फ्री होते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन फ्री होते हैं, लेकिन कुछ प्रीमियम भी होते हैं जो थर्ड पार्टी आपको प्रोवाइड करती है, उसका लाइसेंस आपको खरीदना पड़ता है। wordpress.com में लिमिटेड स्टोरेज होती है, जो बेसिक प्लान है वो 3 GB से शुरू होता है और फर्दर इंक्रीज करता है जो उनकी पैसों के हिसाब से। wordpress.org में आपने जो डोमेन या जिस होस्टिंग जो खरीदी है उस होस्ट का जो प्लान आपने खरीदा है उसके हिसाब से स्टोरेज वेरी करती है, वो 10 GB भी हो सकती है, वो 100 GB भी हो सकती है, वो 1 TB भी हो सकती है। wordpress.com में आपको जो एड्स होते हैं आपकी साइट पे आ रहे हैं, मतलब कोई भी काम करने से पहले, मतलब जो प्ले स्टोर में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसके फौरन बाद वो ऐड आ जाता है। डॉट कॉम में भी इस तरह ही सीन है कि जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो मल्टीपल ऐड आ जाते हैं, तो उस हैसल से बचने के लिए आपको wordpress.com को पे करना पड़ता है उन एड्स को रिमूव करने के लिए। जबकि wordpress.org बिल्कुल ऐड फ्री है और कोई ऐड इसके ऊपर नहीं आता, आप जो आप खुद इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं कम्प्लीटली, और डोमेन और होस्टिंग जो आप ओन करते हैं उसी पैनल में जाके आप जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। आपको सर्वर की एक्सेस
और सी पैनल की एक्सेस होती है, वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं उनमें चेंजेस करना चाहें तो आप डॉट ओ आर जी में कर सकते हैं, लेकिन आप डॉट कॉम में नहीं कर सकते। लास्ट वन है डॉट कॉम में लिटल और नॉन टेक्निकल कंट्रोल। जैसे कि बताया कि बिल्कुल आपके पास मिनिमम कंट्रोल होता है, सिर्फ जो बेसिक डैशबोर्ड के ऊपर चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, बैक एंड पे या उसकी फाइल्स में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। डॉट ओ आर जी में आपके पास फुल कंट्रोल होता है, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके उसके अंदर मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं, सी एस एस कस्टमाइजेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और कंप्लीटली जो है ना फुल डेटाबेस और फाइल के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। आगे मैं अगर इनकी वेबसाइट को विजिट करें आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले हम वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी को विजिट करते हैं, उसके लिए वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सामने आपको उनका लोगो नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ मेन्यूज है जिसके अंदर थीम, प्लगइन, शोकेस, मोबाइल, स्पोर्ट और अबाउट वर्डप्रेस, इस तरह ब्लॉग और होस्टिंग के बारे में। वर्डप्रेस अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से करेंगे, उसके अलावा वर्डप्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर मैं थीम पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको थाउजेंड्स ऑफ जो थीम्स हैं वो फ्री अवेलेबल हैं। आप कोई भी थीम जो है उठाकर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इस थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, और अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो आप यहाँ से इसे थीम को प्रीव्यू कर सकते हैं। आगे हम एक इस तरह थीम को यूज़ करते हुए वेबसाइट बनाएंगे। इसी तरह प्लगइन्स भी इसके अंदर फ्री होते हैं, अगर आप प्लगइन ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स जो हैं वो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी में फ्री अवेलेबल होते हैं, जो कि वर्डप्रेस डॉट कॉम में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, उसके प्रीमियम प्लान में सिर्फ वो अवेलेबल होते हैं। वर्डप्रेस डाउनलोड कहाँ से करना है अपने सर्वर के लिए, उसके लिए हमारे पास ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जो लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का उसको डाउनलोड करने का। नेक्स्ट अगर हम विजिट करते हैं वर्डप्रेस डॉट कॉम को, इनकी वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह की लुक नजर आएगी। यहाँ पे आपको प्लान, प्राइसिंग, वर्डप्रेस रिसोर्सेज, फीचर्स उसकी और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लान एंड प्राइसिंग पे अगर हम आते हैं तो आपको डिफरेंट प्लान एंड प्राइसिंग वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है आपकी नीड के हिसाब से। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है, वैसे जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो यही है कि आप वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी को यूज़ करें, एक सेपरेट डोमेन होस्टिंग खरीदें, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और एक स्टनिंग एलिगेंट वेबसाइट बनाएं। जो पर्सनल प्लान है वो $4 से शुरू होता है, उसके बाद ई कॉमर्स तक $45 तक जाते हैं। अगर आप इन प्लान्स को कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर फ्री भी अवेलेबल है लेकिन उसके ऊपर सिर्फ तीन या चार जो है वो फीचर्स अवेलेबल है। कोई प्लगइन नहीं हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते, कोई बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर सकते, जबकि ये सारे सिर्फ अवेलेबल है बिजनेस या ई कॉमर्स प्लान पर, जिसके लिए हमें $25 से $45 ईयरली पे करना पड़ता है। ये बेसिक डिफरेंस है वर्डप्रेस डॉट कॉम और वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी में। बाकी चॉइस आपकी है, फ्रॉम माई साइड रिकमेंडेशन इज वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और हम एक स्टनिंग वेबसाइट हमारे अपकमिंग वीडियोस में बनाएंगे। जी, वर्डप्रेस क्लास 2 में हम लोग बात करेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ओवरव्यू की, और इसके अलावा मुख्तलिफ फेमस वेबसाइट जो कि वर्डप्रेस यूज़ कर रही हैं उनको, उन वेबसाइट को विजिट करेंगे, और एक वेबसाइट को कैसे चेक करेंगे कि वो वर्डप्रेस के ऊपर है या वो किसी और लैंग्वेज के ऊपर है। वर्डप्रेस ओवरव्यू में हम जब WP लॉगिन से अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं तो हमारे पास एक जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। ये डैशबोर्ड हमारे पास जो है ना वो एक कलेक्शन ऑफ गैजेट्स होता है। यहाँ पे आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है,
लेफ्ट साइड पे आपको ये ब्लैक में ये सारे विजिट्स और कुछ गैजेट्स हैं और टूल्स हैं जिनके जरिए हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं और उसको कस्टमाइज करते हैं, जबकि ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या हो रहा है। और जैसे कि आप ये सामने एक्टिविटी का एक ऑप्शन देख रहे हैं, उसके अलावा एट ग्लांस में आपको ये बता रहा है कि आपकी साइट पे इस वक्त 12 पेजेस हैं जो अवेलेबल हैं और वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन और थीम यूज हो रहा है, जबकि इसके साथ ही आपको ये साइट हेल्थ चेक का स्टेटस नज़र आ रहा है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई वायरस है या नहीं है। राइट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कोई ड्राफ्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। क्यू ड्राफ्ट में आप कोई पोस्ट जो है वो अगर सेव करना चाहें बिफोर पब्लिश या कुछ भी आप सेव करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बिल्कुल बॉटम पे हमारे नज़र आ रहा है वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़। आप अगर वर्डप्रेस पे अपने जब लोकेशन देते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त, तो वो आपको बताता है कि आपके लिए तो कोई वर्डप्रेस का इवेंट आ रहा है या कोई वर्डप्रेस से रिलेटेड न्यूज़ है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। ये सेक्शन आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। ये आप चीज़ें देख रहे हैं, ये जब आप अपनी डिफॉल्ट वर्डप्रेस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो आपको ये कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। साइट हेल्थ को चेक करने के लिए अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताएगा कि ये रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट है जो आप अगर करें तो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो सकती है। दोबारा अगर मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करके दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ आपको आपको एक वेलकम का मैसेज नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे आपको लिखा आ रहा है कि आप अपनी कस्टमाइज करें साइट को। यहाँ से आप डायरेक्ट कस्टमाइजेशन सेक्शन में जा सकते हैं। राइट साइड में आपको डिफरेंट टूल्स और गैजेट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, और जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट अपना पोस्ट जो वगैरह जो है उसे ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं और देन आफ्टर वीजन्स उसको अपलोड कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऑप्शन के नीचे आपको पोस्ट का मेन्यू नज़र आ रहा है जिसके आगे फर्दर फॉर सब मेन्यूज है। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि आपने यहाँ से पोस्ट ऐड कैसे करनी है, कैटेगरीज पोस्ट की क्या होती हैं और टैग्स, ये हम फर्दर नेक्स्ट इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। लेट्स से कैटेगरी चेंज करके देखते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ये जो हमारी ऑलरेडी अवेलेबल कैटेगरी थी इसको हमने क्विक एडिट से एडिट किया है, और न्यू कैटेगरी ऐड करने के लिए हम सिंपल नेम और स्लग एंटर करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारी थर्ड पे हमारे मीडिया फाइल्स का ऑप्शन अवेलेबल है जिसके आगे दो सब मेन्यू है, लाइब्रेरी और ऐड न्यू। इसमें आपकी जितनी फाइल्स अपलोड हुई होंगी वो आपको इसमें नज़र आ जाएगी। ये अब देख रहे हैं इसमें इमेजेस और जो भी मैंने इंफॉर्मेशन अपलोड की है वो इसमें नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास पेजेस का ऑप्शन है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जितने पेजेस आपकी वेबसाइट पे आपने क्रिएट किए हैं या अगर कोई न्यू क्रिएट करना है तो वो इस पर नज़र आ जाएगा। कमेंट पे अगर क्लिक करके हम देखते हैं तो अगर आपकी जब वेबसाइट लाइव होगी उस पर जितने कमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। उसके अंदर स्पैम जो आपने अप्रूव किए होंगे, जो पेंडिंग अप्रूवल में होंगे, जो आपके ऑन कमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अपीयरेंस का मेन्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर थीम का सब मेन्यू है, उसके अलावा कस्टमाइज और विडिट्स का एरिया है, और मेन्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपीयरेंस के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास प्लगइन, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे कौन से प्लगइन इंस्टॉल हैं, एक्टिवेट हैं या जो यहाँ से हम न्यू प्लगइन ऐड कर सकते हैं। यूज़र में हमें अवेलेबल होता है कि हमारे इस साइट को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। आप न्यू यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम जो डिस्कशन सेक्शन है और हमारी पोस्ट और पेजेस के सेक्शन है उनको कैसे एडिट कर सकते हैं, उनको यूआरएल को कैसे एडिट कर सकते हैं, वो यहाँ से हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास के टॉप ब्रांड जो वर्डप्रेस वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर वाइट हाउस डॉट जीओवी, ये वाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट है। गाड़ियों का फेमस ब्रांड टोयोटा डॉट कॉम,
ठीक है, वो इसको यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस को। बाटा शूज का ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और उन्होंने भी अपनी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस को यूज करते हुए बनाई है। उसके अलावा कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट canada.com, ये भी वर्डप्रेस यूज कर रही है। इन साइट्स को आप विजिट करके देख सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो साइट्स हैं वर्डप्रेस यूज कर रही हैं? उसके दो तरीके हैं, और वो दोनों तरीकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। उसके लिए हम एक एक्सटेंशन यूज करते हैं क्रोम की, वेब ब्राउजर, और सेकेंड हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको हम यूज करते हुए ना सिर्फ वेबसाइट का ये पता चला सकते हैं कि वो वर्डप्रेस के ऊपर है कि नहीं, बल्कि उस वेबसाइट के ऊपर जितने थीम्स और प्लगइन यूज हो रहे हैं उनको भी हम यूज करके उसको यूज करते हुए डिटेक्ट कर सकते हैं। जी, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस और दूसरे जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर ड्रूपल है, जूमला है, शॉपिफाई है, और डिफरेंस क्या है, वाई हम वर्डप्रेस को हम क्यों प्रेफर करते हैं। अदर सीएमएस जो हैं उनके अंदर ये जो वर्डप्रेस के अलावा फेमस है वो आपको ये तीन नजर आएंगे। इनके ऊपर भी आप जो यूज करते हुए वेबसाइट बना सकते हैं। शॉपिफाई का एक सेपरेट कोर्स भी हम लोग लॉन्च करेंगे वर्डप्रेस कोर्सेज के बाद, जिसके अंदर ड्रॉप शिपिंग और इससे रिलेटेड चीजें जो है डिस्कस करेंगे। ये आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है जो टोटल 100% वेबसाइट है उनमें से जो सीएमएस वेबसाइट है उनमें से वर्डप्रेस जो है वो तकरीबन 60% जो है वो वेबसाइट को पावर कर रहे हैं। उसके बाद जूमला, ड्रूपल और स्केयर स्पेस वगैरह लाइकवाइज ये आ रहे हैं। सवाल ये है वर्ड में डिफरेंस, वर्डप्रेस दूसरे जो सीएमएस है उनसे बेहतर क्यों है? सीएमएस का शायद आपको लास्ट टाइम बताया नहीं होता, सीएमएस जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी पोस्ट, पेजेस और मीडिया फाइल्स उनको पब्लिश और मैनेज करने में हेल्प करता है। और आप जो है ना वो होस्ट करते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ सर्वर से, लेकिन आपका जो कंट्रोल है वेबसाइट के वो कंप्लीट आपको कंट्रोल होता है सी पैनल के थ्रू। आप मल्टीपल टूल यूज करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं ठीक है, जिसके अंदर प्लगइन यूज होते हैं, एक्सटेंशन यूज करते हैं हम, और थाउजेंड्स ऑफ फ्री आपको टेम्पलेट्स और थीम अवेलेबल होते हैं। इवन क्या आप अपना ओन सीएसएस कोड यूज करते हुए वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन आपको जो वर्डप्रेस का कंट्रोल है वो कंप्लीट होता है। आप सोशल शेयरिंग भी कर सकते हैं, सोशल अपनी जो आप अपने सोशल अकाउंट्स के जो फीड्स हैं उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर वर्डप्रेस जो वेबसाइट है उसके अंदर आपको मोस्टली कोई कोडिंग रिक्वायर नहीं होती, और बिगिनियर के लिए बहुत जो है ना वो ये अच्छी बात है कि उन्हें कोई कोडिंग जो है ना वो उसके लिए नहीं चाहिए। जबकि वर्डप्रेस अदर जो सीएमएस है उनके लिए जो है ना एसईओ भी इसकी इम्पोर्टेंट होती है, सिक्योर होता है, इजी टू लोकलाइज होता है, और मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। अपना व्हाट्सएप ईमेल जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दें, आपको ईमेल आ जाएगी और आपको मैसेज भी आ जाएगा जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका वर्डप्रेस से रिलेटेड, या कोई चीज़ समझ नहीं आई, या ट्यूटोरियल को इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो उसके लिए भी अपनी सजेशन ईमेल करना चाहते हैं ईमेल कर दें, या कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम के पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस क्या है। पहली 7 वीडियोस में हमने सीख लिया कि वर्डप्रेस है क्या, वर्डप्रेस यूज कैसे करते हैं, डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, एंड देन फर्दर एक लोकल सेटअप कैसे बनाना है प्रैक्टिस के लिए, वर्डप्रेस की प्रैक्टिस के लिए लोकल अपने पीसी पर। और अब वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारा जो डैशबोर्ड है उसको एलैबोरेट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा पोस्ट और पेजेस को, कि पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस क्या है।
आइए शुरू करते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कैसे करना है, ये सवाल पूछा था लास्ट टाइम किसी ने। तो उसके लिए सिंपल है कि आपने जो आपका लोकल सेटअप होगा, जो भी आपने वो नेम रखा होगा फोल्डर का, वो आपने पेस्ट करना है। मैं आपको ये लाइव सर्वर पे सिखा रहा हूँ, तो मैं उस जो डोमेन उसका नाम लिखूंगा और उसके आगे स्लैश डाल के wp डैश एडमिन पुट करूंगा। ये पुट करने के बाद आपके पास एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का, जब आप यहाँ पे URL एंटर करेंगे तो ये आपके पास ओपन होगा। आपने यूजर नेम जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त जो एंटर किया था, यूजर नेम और पासवर्ड, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप जो डैशबोर्ड है उस पर लॉगिन हो जाएंगे। अच्छा जी, पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस क्या है? अगर हम अपनी वेबसाइट पर जाएं, ये मैं वेबसाइट दिखाता हूँ अभी आपको, जो पेजेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। उसके ऊपर हमने कंटेंट एक बार डाल देना है, उसके बाद में भी 6 महीने बाद में भी साल बाद हम उन्हें चेंज करना है। ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गया, इसमें देखें ये हमारा होम पेज है, ठीक है। अब ये आपको ऊपर मेन्यू में तकरीबन 6 पेजेस नजर आ रहे हैं। ये जो आपको मेन्यू नजर आ रहा है ये तमाम पेजेस हैं। आप पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पेजेस का मकसद ये है कि पेजेस आपके आइडेंटिकल होते हैं, आपने जो है डे बाय डे उन्हें चेंज, उनका कंटेंट नहीं चेंज करना होता, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आपको एक पोस्ट स्लाइडर नजर आएगा। ये जनाब, ये हमारे पास हमारी पोस्ट नजर आ रही है यहाँ। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको ये कंटेंट नजर आएगा, एक न्यू जो टैब, उसमें आपको ये पोस्ट का कंटेंट नजर आ रहा है। पोस्ट में आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, विजुअल यूज करके वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं और बहुत सी चीजें। यहाँ आपको राइट साइड बार पे एक ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, जब कोई यहाँ पे ईमेल अपना नेम और ईमेल एंटर करेगा तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी और हमारे पास वो ईमेल स्टोर हो जाएगी। ये नीचे आपको ये पोस्ट नजर आ रही है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि पेजेस आप डे बाय डे चेंज नहीं करते, जबकि पोस्ट आप डेली करते हैं। एसईओ के लिए पोस्ट सबसे बेहतरीन हल है और हमारी जो ऑन साइट एसईओ होती है उसमें बहुत हेल्प करती है। आगे हम इसमें देखते हैं कि हम पोस्ट को ऐड कैसे करते हैं। डैशबोर्ड में आपको सेकंड डैशबोर्ड के नीचे आपको पोस्ट का मेन्यू नजर आ रहा है, उसके ऊपर अगर आप माउस को कर्सर करते हैं तो आपको आगे फर्दर 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑल की जो पहले से ऑलरेडी जो पोस्ट होंगे वो आपको सारी नजर आ जाएंगे। अभी ये डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है जो कि वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद हमें शो होती है। इसके अंदर हमारे पास, अगर हम इस स्क्रोल करें तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। इसको व्यू कैसे करना है, अगर आप इसे व्यू करना चाहते हैं तो आप इसको न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं, इधर भी ओपन कर सकते हैं। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप ट्रैश पे क्लिक करेंगे, क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पोस्ट टाइटल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप इसकी कैटेगरी, अगर मल्टीपल कैटेगरीज होंगी आप वहां से चेंज कर सकते हैं। आप टैग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टैग भी ऐड कर सकते हैं। कुछ टैग ऐड करके देखते हैं। यहाँ से आप टेम्पलेट चेंज करना चाहते हैं, कवर टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं या फुल विड्थ करना चाहते हैं आपके, अगर ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट होंगे तो आप वो भी उसको असाइन कर सकते हैं। आप पोस्ट के ऊपर कमेंट को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, पिन की बात हम बाद में करेंगे। अगर नहीं करना चाहते यहाँ से आप इस पे बुक मार्क को खत्म कर देंगे। पोस्ट की डेट भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी पोस्ट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और अगर आप इसको प्राइवेट करना चाहते हैं तो इस बुकमार्क पे क्लिक कर सकते हैं।
यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारी पोस्ट है जो डिफॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद हमें नजर आती है। अगर मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करूँ, लेट से हम यहाँ पे पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4। पासवर्ड प्रोटेक्टेड पे आप जिसको पासवर्ड देंगे सिर्फ वही शख्स, जो वही फर्द है वो आपकी पोस्ट देख सकेगा, बाकी किसी को एक्सेस नहीं होगी। अब इसको अपडेट करते हैं। यहाँ पे हमें टैग नजर आ रहे हैं जो हमने क्विक एडिट में ऐड किए थे। कैटेगरी हमारी वही सेम है क्योंकि हमारे पास और कैटेगरी नहीं है, वो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैटेगरीज कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये पोस्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो ये आपको नजर आ रहा है प्रोटेक्टेड लिखा हुआ साथ नजर आ रहा है इस पोस्ट का। लेट से इसका पासवर्ड एंटर करते हैं। ओके, अब ये आपको कंटेंट नजर आ रहा है कि इस पोस्ट पे जो कंटेंट था वो अब आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट है, अब एक न्यू पोस्ट कैसे हमने ऐड करनी है, उसके लिए हमने ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। ये आपको इंट्रो बताएगा पहले कि जो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीजें इंक्लूड की हैं और इसको काफी बेहतर बना दिया। इसके अंदर आप अपना ओन ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है, और लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने बटन इंक्लूड किए हैं, इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन इंक्लूड किया है जो हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे रीड करेंगे। यहाँ पे हम अपना पोस्ट का टाइटल लिखते हैं, लेट से कोर्स 1 लेक्चर 08 पोस्ट वर्सेस पेजेस। अब क्योंकि हमारे पास भी कंटेंट रेडी नहीं है तो मैं यहां से एक डेमो कंटेंट ले लेता हूँ। ये आप क्लिक करेंगे तो आपको काफी डेमो जो आप मुख्तलिफ न्यू थीम्स के ऊपर देखते हैं कंटेंट नजर आ रहा होता है वो ये डेमो कंटेंट होता है। आप भी अगर जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आप डेमो कंटेंट यहाँ से भी ले सकते हैं। ये जनाब हमारी जो पोस्ट का कंटेंट है वो ऐड कर दिया। अब इसको इसकी अपीयरेंस कैसे चेंज करनी है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। इसको हेडिंग बनाना है तो हम H2 के ऊपर क्लिक करेंगे, H1 के ऊपर, या जो भी हमने इसको चेंज करना है। यहाँ पर राइट साइड पे आपको साइड बार नजर आ रही है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है, अगर आप इसको पैराग्राफ में ही रहना है तो क्लिक कर दें पैराग्राफ पर। इन सब चीजों को मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एज ए न्यू बाय एक्सप्लोर करें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं कोई चीज, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन है, वो यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज, यहाँ पे आपको कोटेशन का एक साइन नजर आ रहा है। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये कोटेशन बन जाएगी। इस तरह ये डिफरेंट ब्लॉग्स और डिफरेंट विजिट यूज करते हुए हम अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब पोस्ट को पब्लिश करने से पहले हमने प्रीव्यू कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आपको राइट टॉप पे प्रीव्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोस्ट नजर आएगी, लेकिन अभी ये पब्लिश नहीं हुई। यहाँ पे आपको पब्लिशर का नेम नजर आएगा, यहाँ पे डेट और यहाँ पे नंबर ऑफ कमेंट्स, और ये जो आपने कंटेंट अपलोड किया था वो आपको नजर आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि हम इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं और पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं। अब अगर इस यूआरएल को मैं कॉपी करूं और यहां पर पेस्ट करके देखूं तो ये मेरी पोस्ट पब्लिश हो गई। अगर मैं अपने होम पेज पर जाऊं तो आपको ये फ्रंट पेज पर नजर आ रही है।
ये पहली पोस्ट है और ये सेकंड वन जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, इसमें उन्हें पासवर्ड एंटर करके ओपन किया था। अब जरा राइट साइड बार को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पोस्ट पब्लिश हो गई है, लेकिन आपको यहाँ पे एक परमालिंक ऑप्शन नजर आ रहा है। परमालिंक को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मतलब आप कोई भी रख सकते हैं, ये हम सेटिंग में जाकर इसको जो है ना एक्सप्लेन करेंगे कि आप जो है ना पेज जो हमारी वेबसाइट के डोमेन नेम है उसके बाद हमारी पोस्ट का नाम कैसे आएगा। उसके बाद हम कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ से हम देखेंगे अब हम न्यू कैटेगरी कैसे ऐड करें। यहाँ पे जैसे मैं ऐड करता हूँ कोर्स वन की कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी अगर मैं इसे साइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। अच्छा, अब एक पेरेंट कैटेगरी भी ऐड करके देखते हैं। यहाँ से मैं इसे साइन करता हूँ पेरेंट कैटेगरी कोर्स वन और देन क्लिक न्यू। अब ये देखिए कोर्स वन के नीचे आपको ये कैटेगरी नजर आ रही है। कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है ये आपकी मर्जी है। मैंने कोर्स वन और ट्यूटोरियल वन किया, अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, सिर्फ ट्यूटोरियल एड कर देता हूँ तो ये वहां पे शो हो जाएगा। टैग्स हमने ऑलरेडी वहां पर ऐड किए थे, लेकिन हम दोबारा यहाँ से भी टैग ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जितने मर्जी टैग आप ऐड कर सकते हैं, बेटर फॉर एसईओ। सेकंड इज हम फीचर इमेज को कैसे यूज करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं और मीडिया लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ पे जाके कोई फाइल सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से ये इमेज जो है वो हम असाइन करना चाहते हैं अपनी पोस्ट को। फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट क्या चीज है, ये हमने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया था लॉरा जो कि डेमो कंटेंट का था। आपको ये जो चीज नजर आ रही है यहाँ पर, ये एक्सेप्ट कंटेंट है। ये चीज हम अपनी पोस्ट में ऐड करते हैं जब हमने अपनी वेबसाइट को रैंक जो पोस्ट है उसे रैंक करवाना हो, एसईओ करनी हो। ये चीजें हम भी अभी एज ए न्यू बाय है, आपको इसे समझने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्कशन में आएंगे। ये चीज हमने वहां पे भी देख ली थी कि अगर कमेंट्स अलाउ करने हैं और अगर नहीं करने तो हम इसको चेक अनचेक कर देंगे। पोस्ट एट्रीब्यूट में हमारे पास जो टेम्पलेट है, अगर हम इसे फुल विड्थ करना चाहते हैं फुल विड्थ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर देंगे। सेव ड्राफ्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अपलोड करने से पहले अगर इसे देखना चाहते हैं। अब हम अपनी पोस्ट को प्रीव्यू करते हैं। अगर ये जी ये हमारी पोस्ट का टाइटल आ गया, ये हमारी इमेज आ गई जो हमने असाइन की थी, और ये हमारा कंटेंट आ गया। एक चीज आपने देखी होगी, जो पहले पोस्ट थी उसका जो साइज था वो कम था। यहाँ पे हमने एक चीज असाइन की थी अभी फुल विड्थ टेम्पलेट की, ये हमारा फुल विड्थ टेम्पलेट है। नाउ हम बैक जाते हैं और हम बात करेंगे अब कि पेज कैसे ऐड करना है। एक चीज और यहाँ पे है, कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से भी एक न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कोर्स वन वर्डप्रेस, जो लग गया वो भी हम सेम रखेंगे। पेरेंट कैटेगरी हम इसे कोई नहीं देंगे क्योंकि यही हमारी पेरेंट कैटेगरी है। अगर हम कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो लेट जस्ट से कोई डिस्क्रिप्शन हम देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। अब ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास न्यू कैटेगरी ऐड हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप कोई कैटेगरी ढूंढना चाहते हैं यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ओके, नाउ हम कुछ पेजेस ऐड करेंगे। और एक और चीज जो एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा कि एक वेबसाइट जो बिजनेस है या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर की, उसके लिए नेसेसरी पेजेस कौन से होने चाहिए, कौन
कौन से पेजेस हम ऐड कर सकते हैं, मतलब जो नेसेसरी हैं, जो एक डिफॉल्ट चीज चलती आ रही है डेवलपर के लिए। जब आपने फ्रीलांस मार्केट पे वर्क काम करते हुए किसी को मॉकअप देना है, तो आपने वो पेजेस का मॉकअप देना पड़ता है आपको स्टार्टिंग में, आपको ग्रो करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड पे पेजेस का ऑप्शन नजर आ रहा है, ऊपर आपको नजर आ रहा है एक ऐड न्यू पेजेस का ऑप्शन। यहाँ पे अगर आपने कोई पेज सर्च करना है वो कर सकते हैं। ये एक सर्च ऑप्शन है कि आप नंबर ऑफ पेजेस जो है वो एक पर जो स्क्रीन है पर पेज पर, ये जो आपको पेज नजर आ रहा है इस पे कितने होने चाहिए। एक और चीज है कि आपको ऑथर का नेम यहाँ पे अगर आपने डिस्प्ले करवाना है, कमेंट्स डिस्प्ले करवाने हैं, डेट डिस्प्ले करवानी है, अगर नहीं करवानी तो आप इसको अनचेक करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा यहाँ से। लेकिन डिफॉल्ट पे ही रखता हूँ मैं इसे। यहाँ पे आपको ऑल पेजेस का ऑप्शन नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पब्लिश का ऑप्शन कि कितने पेजेस पब्लिश हो गए हैं और ड्राफ्ट में कितने पेजेस ड्राफ्ट में नजर आ रहे हैं। न्यू पेज ऐसे ऐड कैसे करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपने पेज का टाइटल लिखना है। ऑब्वियसली जो हमारा फ्रंट पेज होता है उसे हम यूजुअली होम पेज का नाम देते हैं। यहाँ पे होम क्लिक करेंगे। अगर आप इस पे कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक इसमें आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इस इमेज की विड्थ और हाइट हम सेट कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ 500 ये यहाँ से, और इसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं आप। उसके अलावा पेजेस पर आप जो भी ऐड करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, मुख्तलिफ विजुअल बिल्डर को यूज़ करते हुए। जैसे जो फेमस है वो एलिमेंटोर हो गया, या डीवी विजुअल बिल्डर हो गया, या WP बैकरी एट्सेट्रा। कलर सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कस्टम कलर यूज़ करना चाहें। अगर आप बैकग्राउंड ब्लैक रखना चाहें आप ब्लैक रख सकते हैं, इमेज का रखना चाहें या ओवरऑल चेंज करना चाहें वो भी चेंज कर सकते हैं। और फीचर इमेज यूजुअली हम पेज पे नहीं लगाते, यहाँ पर भी हम सिर्फ देखेंगे कि पेज को ऐड कैसे करते हैं। पेज का प्रीव्यू अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये इस टाइप का पेज नज़र आएगा। ये आपको फ्रंट पे होम नज़र आ रहा है और नीचे आपको कंटेंट नज़र आ रहा है। ये आपका फुटर है जिसके ऊपर ये विजिट्स आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारे रिसेंट पोस्ट में जो हमने पोस्ट ऐड की थी वो नज़र आ रही है। कैटेगरीज में हमारे पास ये दो कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, ये ट्यूटोरियल एड हमने रिसेंटली ऐड की थी। उसके अलावा ये कमेंट्स अगर कोई आपकी पोस्ट पर करता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यूजुअली ये जो 2020 थीम है ये हम यूज़ नहीं करते वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल सा है, सिंपल वेबसाइट के लिए तो यूज़ हो जाता है, लेकिन एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट के लिए हम इसे यूज़ नहीं करते। तो ये सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ये चीज़ें समझ नहीं है। ये देखें यहाँ पर ऑल पेजेस में हमारे पास ये होम पेज अब शो हो रहा है। ये बेसिकली मेन डिफरेंस था पेजेस का और पोस्ट का, कि पेजेस जो कंक्लूजन ये है कि पेजेस का जो कंटेंट है वो हम डे बाय डे चेंज नहीं करते, ठीक है। उसके पर हम मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो जैसे कि ब्लॉक हो गए, सेक्शन हो गया, फॉर्म हो गया, और जो पोस्ट है पोस्ट हम हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट कर सकते हैं, जबकि पेजेस हमारे कुछ बेसिक मेन होते हैं जो वही। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डिटेल में पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है, न्यू पोस्ट और न्यू पेजेस कैसे ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं मीडिया लाइब्रेरी की। डैशबोर्ड पे अगर हम लॉगिन होते हैं तो हमारे पास ये पोस्ट और पेजेस के दरमियान में मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन है, जिसके आगे सब मेन्यू में लाइब्रेरी और ऐड न्यू। लाइब्रेरी पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पे आपकी तमाम फाइल्स, इमेजेस,
बेसिकली चार तरह की फाइल्स होती हैं जो मीडिया लाइब्रेरी में सेव होती हैं, जिनके अंदर आपके इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस और टेक्स्ट फाइल या पीडीएफ कोई भी जो एसवीजी है वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इन मीडिया फाइल्स को आप अपनी पोस्ट और पेज में जब आप साइट बिल्ड कर रहे होते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। मीडिया फाइल के अंदर आपने एक न्यू इमेज कैसे ऐड करनी है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी के साथ ही ऐड न्यू का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 800 MB है, जिसे आप इंक्रीज कर सकते हैं 1 GB तक। अगर आपका वर्डप्रेस अगर आपने न्यू इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे आपको 2 MB या 8 MB का ऑप्शन आ रहा होगा, जिसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के एंड पे एक एंड स्क्रीन मिलेगी, जिसके वो भी कंप्लीट वीडियो है, जिससे आप मुख्तलिफ मेथड यूज करते हुए अपना मैक्सिमम जो अपलोड फाइल साइज है उसे 1 GB तक इंक्रीज कर सकते हैं। आइए एक फाइल अपलोड करके देखते हैं। सिलेक्ट फाइल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे PC पर ले जाएगा। वहां से मैंने फोल्डर ओपन करना है और कोई फाइल सिलेक्ट करनी है। में आप मल्टीपल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और सिंगल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। मैं सिंगल फाइल अपलोड करता हूँ और इसके बाद मल्टीपल फाइल अपलोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको आपने जो अभी रिसेंटली इमेज अपलोड की है वो नजर आ रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको इस जो इमेज के रिलेटेड टेक्स्ट होगा, फाइल नेम और फाइल का टाइप, अगर ये इमेज है PNG है JPG है तो यहाँ पे आपको, अगर वीडियो है तो उसके हिसाब से MP4 और फाइल टाइप नजर आएगा। आपको अपलोड डेट भी यहाँ पे नजर आएगी और इसके अलावा फाइल का साइज कितना है और जो डायमेंशंस है वो कितनी है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ और इसे डिलीट कर, एक इमेज आपको एडिट करके दिखाता हूँ। आप इसके पिक्सेल्स और फाइल साइज तो आप एक अलग प्लगइन से डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अलावा मोर डिटेल्स, अगर आप मोर डिटेल्स में जाएं तो आपको एडिट इमेज का ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर, जिससे आप अपने इमेज को एडिट भी कर सकते हैं और एस्पेक्ट रेशो भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैन्यूअल डायमेंशन इसकी 300 करता हूँ, 300x147, ये देखें अब आपकी जो न्यू इमेज है वो उसकी न्यू डायमेंशन 300x147। मैं दोबारा मीडिया लाइब्रेरी में जाता हूँ, आपको ये जो डायमेंशन चेंज हो गई है वो नजर आ रही है। नेक्स्ट आपने आप इन जो मीडिया फाइल्स जो आप लोगों ने अपलोड किए हैं वो पोस्ट और पेजेस पे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं जाता हूँ, एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ, देन ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और एक डेमो पोस्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे अब हम लोगों ने एक इमेज अपलोड करनी है, उसके लिए यहाँ पे आपके पास ये ऐड इमेज का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपका गुटेनबर्ग डिफॉल्ट है तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होंगे जिनसे आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐड इमेज पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, अपलोड, मीडिया लाइब्रेरी और इंसर्ट फ्रॉम URL। इवन के कोई इमेज है तो आप वो URL से भी अपनी पोस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितनी मेरी फाइल्स होंगी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद से टूट कर देता हूँ। ये जनाब यहाँ पे अपलोड हो गई है। आप इसकी डायमेंशन चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कोर सेक्शन हमारे पास कमेंट का सेक्शन है, जिसमें आप डिफरेंट जो लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं वो देख सकते हैं। आप उनको अप्रूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और जो पेंडिंग अप्रूवल में है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं।
लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मीडिया और कमेंट्स की, अब हम बात करेंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास थीम कस्टमाइज और थीम एडिटर का ऑप्शन है। जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किए होंगे थीम वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, जबकि ऊपर हमारे पास यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, जिस पर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास एक तो मैनुअल अपलोड का ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई फाइल है थीम की तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या आपने जो वर्डप्रेस के अनलिमिटेड जो थीम्स होते हैं फ्री अवेलेबल होते हैं उनको यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं आउटस्टॉक जो वर्डप्रेस का थीम है मोस्ट पॉपुलर सर्च करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकता हूँ और लाइव प्रीव्यू के लिए यहाँ से लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर सकता हूँ। इस तरह ही आपको ये दो ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएंगे जब आप आउटस्टॉक को सर्च करेंगे। मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट पर क्लिक करता हूँ। ओके, ये थीम एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप इस थीम से रिलेटेड जो प्लगइन्स हैं और जो स्टार्टर टेम्पलेट है उसे आप इंस्टॉल कर लें। उसके लिए मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ तो उसने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। थोड़ा वेट करें, जैसे ही एक्टिवेट होगा हम देखेंगे कि हम कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट उसने हम पूछा है हमसे कि आप कोई पेज बिल्डर सेलेक्ट करें। अगर आप एलिमेंटोर यूज़ करना चाहते हैं स्टार्ट में तो एलिमेंटोर यूज़ करें, अगर वेवर बिल्डर करना चाहते हैं या गुटरमेंट वर्डप्रेस का या प्रीजी जो कि एक न्यू पेज बिल्डर है और बहुत ही अमेजिंग इसे वेबसाइट बना सकते हैं, हम इन सबको अपने नेक्स्ट कोर्सेज में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ एलिमेंटोर, इस पर क्लिक करता हूँ। अब उसने हमें ये मुख्तलिफ टेम्पलेट जो है वो शो कर दिए हैं, यहाँ इसके अंदर फ्री भी हैं और जो एजेंसी उनका प्रो फीचर है जिसे आप बाय कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से वो भी शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैं फिल्टर आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो फ्री अवेलेबल है वो दिखाए और उसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड मुझे टेम्पलेट और थीम फास्ट्रा के टेम्पलेट दिखाएं। भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हर बिजनेस से रिलेटेड, ख्वा वो एजेंसी है या बारबेक्यू का रेस्टोरेंट है, योगा स्टूडियो है, लाइफ कोच है या पेट सर्विस है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ये कार वॉश का जो टेम्पलेट है इसे यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, वो कह रहा है या तो सिर्फ होम पेज का जो है वो टेम्पलेट इम्पोर्ट करें यानी सिर्फ ये पेज इम्पोर्ट करें, या फिर आप जो है वो कंप्लीट वेबसाइट जो है ये तमाम पांच के पांच पेजेस जो है वो इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक करेंगे, ये आपके वेबसाइट के लिए कुछ ऑप्शन मांगेगा। वो कह रहा है कि जो प्रीवियस इंपोर्ट जो आपने की थी साइट उसे डिलीट करना है आपने, तो मैं इस पे टिक कर देता हूँ। उसके अलावा बाकी सारे जो हैं उन ऑप्शन पे भी आपने टिक करना है। अब मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये साइट इम्पोर्ट होनी शुरू हो जाएगी, जो नेसेसरी प्लगइन है वो भी इम्पोर्ट होने शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड हमारे विजिट्स होंगे वो इसके अंदर इम्पोर्ट होने शुरू हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इस तरह आप बहुत इजीली एक वेबसाइट बना सकते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें सीखेंगे और इस तरह ही आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे कोई एक वेबसाइट बनाकर और उसके अलावा उस पर कंटेंट कैसे अपलोड करना है और लोगों को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लेट्स वेट और उसके फौरन बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी एक स्टनिंग सी वेबसाइट कैसी नज़र आती है। 1,000 सब्सक्राइबर पर मैं आपको ऑस्ट्रा के जितने फ्री और प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, हमारी इंपोर्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है व्यू साइट्स का, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको एक न्यू विंडो में ले जाएगा और यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारी वेबसाइट इंपोर्ट हो गई है। ये आपको एक बहुत ही स्टनिंग सी वेबसाइट नज़र आ रही है। इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप
जो इसके पेजेस हैं वो देखना चाहें तो सर्विसेज पे अगर मैं क्लिक करूँ मेन्यू से, तो ये हमारा सर्विसेज का पेज है। इसके अलावा अबाउट का पेज जो है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको शो हो जाएगा अबाउट पेज। यहाँ पे आपको एक क्लिकेबल कॉल टू एक्शन का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप अपना नंबर शो कर सकते हैं। अगर आपको कोई वॉश मेन्यू में अगर हम आए तो यहाँ पे आपके जितने वॉश से रिलेटेड पैकेजेस होंगे वो आप शो यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट कस्टमाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।